वेलकम वेलकम बेस्ट लैपटॉप अंडर रुपीज 60,000 के लिए बिल्कुल सही जगह पर आए, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल लेटेस्ट लैपटॉप की बात करेंगे एंड कंसिडर आवर एक्सपीरियंस। जितने हमने आज तक लैपटॉप के रिव्यू करे हैं, तुम्हें इससे बढ़िया रिकमेंडेशन गाइड नहीं मिलेगी। नो बकवास, सीधा अमेजन और फ्लिपकार्ट खोलेंगे और देखेंगे कि मैं कौन सा तुम्हें रिकमेंड करता हूँ एंड कौन सा लेने लायक है। HP विक्टस, ये वाला तुम्हारा राइजन 5 5600H के साथ आता है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, 6500M का ग्राफिक कार्ड, 144Hz और 57,000 का प्राइस है। एंड अगर तुम्हें 144Hz वाला नहीं चाहिए तो भाई इसका एक सस्ता वेरिएंट भी आता है, ठीक है, वो 55 का मिल जाएगा, देख लेना, मैं लिंक दे दूंगा। बट ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी में दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप, ठीक है। इससे सस्ते भी आते हैं, इससे महंगे भी आते हैं, और ये भी वर्थ इट ही है। फिर देखो अगला लैपटॉप, Acer Aspire 7। अगर तुम यहाँ पे प्राइस देखोगे तो भाई ये 55,000 का या 56 का पड़ रहा है, बट दिस इज एन एक्सपेंसिव लैपटॉप। नॉट बिकॉज 56 बहुत ज़्यादा हो गया, बट बिकॉज ये लैपटॉप तुम्हें 53-52 का सेल पर मिल जाएगा। अभी फिलहाल ये महंगा चल रहा है, तो अगर जब तुम वीडियो देख रहे हो और कोई सेल आ रही है तो वेट कर लेना, और अगर तुम्हें अभी लेना है तो 2-3 हज़ार रुपये महंगा है, बट आई गेस तुम्हारा काम हो जाएगा। बट अगेन वर्थ इट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी रिव्यू मिल जाएगा, पिछले लैपटॉप का भी रिव्यू मिल जाएगा, घबराना मत। तो इन शॉर्ट ये तुम्हारा i5 12 जेन के साथ ये आता है, ठीक है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11, 4 GB ग्राफिक कार्ड जो कि 1650 है, और प्राइस मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। आगे बढ़ोगे तो अगला लैपटॉप है Lenovo IdeaPad Gaming 3। अब ये वाला तुम्हारा Ryzen 5 5600H के साथ आता है, और ये वाला 120Hz का है, ठीक है। 8 GB की रैम, 1 TB प्लस 256 GB की SSD, भूलना मत, विंडोज 11 है, 1650 ग्राफिक कार्ड, और साथ में 3 महीने का गेम पास। तो अभी देखो 56,000 इसका प्राइस है ना, अब उसमें 3 महीने का गेम पास जोड़ दो, जिसकी लगभग लगभग कॉस्ट पड़ती है 350 पर मंथ, तो तुम्हें सीधे सीधे 1,000 रुपये ये कम हो गए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर तुम्हें 1 TB और 256 GB दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर तुम्हें बहुत सारे गेम रखने हैं ना तो भाई ये बहुत ही सही है उस मामले में। बट 512 GB नुकसान नहीं देगा, बट बहुत सारे गेम तो उसमें नहीं डाल सकते हो, तो उस मामले में काफ़ी अच्छा है, और रिव्यू भी है चैनल पे, उसको भी देख सकते हो। ओवरऑल बोलूँ तो काफ़ी बढ़िया है लैपटॉप, एंड वैल्यू फॉर मनी में ये इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी अच्छी डील है। फिर अगर तुम्हें एक नॉन गेमिंग लैपटॉप लेना है तो भाई दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट नहीं बोलेंगे, मैं कहूँगा वैल्यू फॉर मनी के मामले में काफ़ी अच्छा है ऑनर का ये लैपटॉप आता है। एक इशू इस लैपटॉप में, वो है भाई हर जगह इसके वारंटी या सर्विस सेंटर नहीं मिलते। अगर उस पॉइंट को मैं साइड कर दूं तो इसको देखो, i5 12 जेन के साथ ये आता है तुम्हारा, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, और साथ ही में विंडोज 11 मिल जाएगी, फिंगरप्रिंट रीडर है, और 52,000 इसका प्राइस, एंड ट्रस्ट मी कंप्लीटली वर्थ इट लैपटॉप है। मगर मेरा फेवरेट पता है नॉन गेमिंग लैपटॉप कौन सा, Asus VivoBook 16X, भाई वर्थ इट लैपटॉप। Ryzen 5 5600H के साथ ये आता है तुम्हारा, यानी कि गेमिंग लैपटॉप वाला प्रोसेसर, 8 GB की रैम, 512 GB की SSD, विंडोज 11, MS ऑफिस और 1.8 KG का वेट, और 50,000 का प्राइस, लिटरली वर्थ इट है। और अगर तुम्हें इसका 16 GB वाला वेरिएंट है, जो कि मैं रेकमेंड करता हूँ क्योंकि बार बार कब अपग्रेड करोगे, तो वो वाला तुम्हारा 54,000 का आता है, एंड वो भी अगेन वर्थ इट ही है। कैसा लगेगा अगर कोई लड़की तुम्हें बोलेगी योर स्माइल इज द क्यूटेस्ट, या फिर तुम किसी लड़की को बोलना चाहती हो कि उसका ड्रेसिंग स्टाइल इज द बेस्ट? वेल, हियर कम्स ट्रिपी, हमारी ऐप तुम्हारे लिए। बस 4 स्टेप्स, ऐप को डाउनलोड करो, साइन अप करो, अपने दोस्तों को ऐड करो। अब यहाँ पर पहला ट्रिप है, हु इज द क्यूटेस्ट? वेल, क्यूटेस्ट तो स्नेहा ही है। स्नेहा इज अ ट्रू एनिमे लवर। वेल, ऑप्शन सारी बेकार है, बट कोई नहीं, शफल कर देते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी भूलना मत, सामने वाले को तुम्हारा नाम ये कभी भी नहीं बताएगा, यानी कि 100% अनोनमस ऐप है। बट एक लैपटॉप है जो फिलहाल गेमिंग में काफी प्राइस ड्रॉप के साथ आ रहा है, नाम है Acer Aspire 5। ये वाला तुम्हारा i5 12 जेन के साथ आता है, ठीक है। 8 GB की रैम, 512 GB की SSD और RTX 2050 का ग्राफिक कार्ड, भाई बहुत ही सही डील, बहुत ही सही प्राइस, इसको भी ले सकते हो। और तुम्हें रिव्यू देखना है तो इसका भी मिल जाएगा, 16X का भी तुम्हें मिल जाएगा, जो Asus VivoBook होता है ना, हर लैपटॉप का ऑलमोस्ट रिव्यू तुम्हें चैनल पे मिल जाएगा, बस जाना और सर्च करना। बट Lenovo का ना एक काफ़ी फेमस लैपटॉप है, काफ़ी फेमस सीरीज है, Lenovo IdeaPad Slim 3 वाली, इसका भी रिव्यू कर रखा है। बट बढ़िया बात पता है कि इसमें क्या है, 2 साल की वारंटी तुम्हें बाय डिफॉल्ट मिलती है, और कोई ब्रांड बाय डिफॉल्ट 2 साल की वारंटी नहीं देता, तो ये इसको काफ़ी स्पेशल बनाती है। तो देखो i5 12 जेन ये है, 16 GB की रैम आ जाती है, 512 GB की SSD, विंडोज 11, MS ऑफिस, बैकलेट, 2 साल की वारंटी और 3 महीने गेम पास, अगेन सेम, तो 59,000 इसका प्राइस, और ये भी कंप्लीटली वर्थ इट बोलूंगा मैं। और अगर 8 GB चाहिए तो भाई 55 तक तुम्हें मिल जाएगा, और भी सस्ता हो सकता है, सेल पे 1-2 हज़ार और कम एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट फिलहाल ये वैल्यू फॉर मनी मैं बोलूंगा।
बट वॉट इफ तुम्हें एक 2-in-1 लैपटॉप चाहिए, यानी कि टच और 360 डिग्री फोल्डेबिलिटी। यहाँ पर आता है Asus VivoBook S14 Flip। तो देखो Ryzen 5 5600H यानी कि गेमिंग प्रोसेसर, 14 इंच का लैपटॉप है 2-in-1 टच में, तुम्हें बता चुका हूँ। 16 GB की रैम, 512 GB की एसएसडी, विंडोज 11, एमएस ऑफिस फिंगरप्रिंट बैकलिट, 50 वाट आर की बैटरी, यानी कि लगभग 5 से 6 घंटे का बैकअप, और साथ ही में 62,000 इसका प्राइस। एंड ये भी कम्प्लीटली वर्थ इट है, इसको भी तुम बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। भाई बेस्ट बात क्या है इस लैपटॉप की, भाई प्रॉपर मेटल फिनिश मिल जाती है जो कि लैपटॉप को बहुत सुंदर बनाती है। तो इसको अगर तुम्हें 2-in-1 लेना है तो ले सकते हो, और अगर तुम कन्फ्यूज हो 2-in-1 ले या नॉर्मल ले तो भाई 2-in-1 मत लेना, नॉट वर्थ इट। वैसे अगर तुम्हें लेना है तभी इसको लेना। बट अगला लैपटॉप जो है वो यार बहुत ही बढ़िया लैपटॉप, पोर्टेबल है, पतला है, बैटरी लाइफ के साथ आता है, गेमिंग है और भी बहुत सारे फीचर। नाम है Asus VivoBook Pro 15। तो देखो ये वाला तुम्हारा 16 GB की रैम, 512 GB की SSD के साथ आता है, RTX 3050 का ग्राफिक कार्ड, विंडोज 11, बैकलाइट फिंगरप्रिंट, और प्राइस है इसका 65,000, वर्थ इट। एंड इसी का भाई मेरे पास है, ये सेम ही लैपटॉप है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। प्रोसेसर का डिफरेंस है, ये Ryzen 7 में आता है, बट ये वाला इससे बस 2-3 हज़ार रुपये महंगा है ना। तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, बट इसका रिव्यू तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। बाकी ये जो मैंने बताया इसको भी तुम कंसिडर कर सकते हो। बाकी ये थी मेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो रिगार्डिंग बेस्ट लैपटॉप जो तुम्हें खरीदना बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करें। अगर तुम्हें इन डेप्थ एनालिसिस चाहिए तो भाई हर लैपटॉप का रिव्यू तुम्हें मिल जाएगा चैनल पर, घबराने वाली कोई बात नहीं, वहाँ पे मैंने इन डेप्थ स्पेक वाइज मैंने सब कुछ बता रखा। और अगर तुम्हें मेरा फेवरेट लैपटॉप चाहिए आउट ऑफ दीज, तो मैं बोलूँगा नॉन गेमिंग के लिए Asus ROG 16X और गेमिंग के लिए Acer Aspire 7, दोनों बहुत ही स्टेलर लैपटॉप है। बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट रह गया हो तो भाई मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट कर सकते हो नीचे कमेंट के द्वारा, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।